दोस्तों पहला शिकार है आज का, अच्छा साइज का रोहू है। दोस्तों ये सेकंड कैच है, पिरन आ गए, देख सकते हैं रोहू लगाए, अच्छा साइज है। ये मैंने एक नया चारा बनाया, उसके ऊपर ट्राई कर रहा था, बहुत ही अच्छा रिजल्ट लग रहा है इसके ऊपर। अगला वीडियो में आपको इस चारे के बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा मैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़ेर फिशिंग चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग एक फीडर का नया चारा बनाने जा रहे हैं, जिसपे कि हम लोग ने पहले ट्राई किया हुआ है, यानी पहले हमने वो चारा बना के खुद एक्सपेरिमेंट किया है। उसपे माशाल्लाह जावेद भाई ने बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े शिकार किए हैं और वो चारा बहुत ही कारगर है दोस्तों। उसपे बड़े बड़े रोहू, परक मछली और कटला तक बाइट हो सकता है, लेकिन अभी कटले का सीजन नहीं है, तो रोहू और परक का उसपे बाइट हुआ है। और माशाल्लाह उनका पिछला वीडियो आपने देखा होगा, तो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे उसमें फिशेस पकड़े हुए हैं। तो दोस्तों ये जो बाइट है जो मैं दिखाने जा रहा हूँ, एकदम ध्यान से दिखिए, बिल्कुल ध्यान से दिखिए, क्योंकि इसमें बहुत आप लोगों को देखना पड़ेगा कि हम लोग किस तरह से बना रहे हैं और क्या क्या आइटम्स डाल रहे हैं। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, और आप अगर बनाने जाएंगे तो उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मैं कुछ वीडियो डालता हूँ, वो देखिए आप, रिजल्ट दिखिए, फिर हम वो बाइट बनाने जाते हैं। और दूसरी बात, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि ज़हीर भाई आप बाइट बना रहे हैं लेकिन बाइट का रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो दोस्तों रिजल्ट कैसे आएगा, आप सही तरीके से बनाओ बाइट, क्योंकि आप वीडियो बार बार स्किप करके देखते हो तो समझ में नहीं आएगा। तो सही से दिखिए बाइट, फीडर पे बनाने वाले जो बाइट है, एकदम कम खर्चे वाला है, सस्ता वाला चारा है, बहुत ही अच्छा कारगर चारा है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप अगर देख रहे हैं हमारे चैनल पर, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, आपको मेरे चैनल पर ऐसी नए नए टिप्स देखने मिलेंगे, नया नया चारा देखने मिलेगा, मछली कैसे पकड़ते हैं उसकी टेक्निक देखने मिलेंगी। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आप इस चारे में क्या क्या हम मिलाने वाले हैं। दोस्तों ये है राइस पॉलिश पाउडर, बोले तो कोंडा। बहुत सारे लोगों को डाउट है कि कोंडा बोले तो क्या, ये जो नया राइस निकलता है अपना, उसके ऊपर जो पिल्सर कलर का रहता है, ये पॉलिश होने के बाद में चावल व्हाइट होता है, तो ये वो पॉलिश है, इसमें बहुत अच्छी खुशबू रहती है दोस्तों। दूसरा ये देखिए दोस्तों सुकड़ी, ये आपको आंगनवाड़ी की सुकड़ी है, ये कहाँ पर भी मिलेंगी आपको, ये जरूरी है ये सुकड़ी। दूसरा है, तीसरा है केले, चार केले, एक किलो ये सुकड़ी में चार केले डालना पड़ेंगे, और दो ब्रेड, दो ब्रेड। और ये है मकई, मक्का, मक्का जिसको बोलते हैं कॉर्न, उसका ये बारीक वाला टुकड़ा है, ये है। और लास्ट जो आइटम है और एक दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कस्टर्ड पाउडर दोस्तों, ये खुशबू के लिए ये भी हमें डालना है। तो ये एक दो तीन चार पाँच छः आइटम है दोस्तों, छः आइटम में आप माशाल्लाह बहुत अच्छा शिकार कर सकेंगे। एक किलो सुकड़ी का पैकेट लीजिए, आधा किलो कोंडा लेना है और आधा किलो मकई लेना है, और उसमें ये 250 ग्राम डालना है बस, कस्टर्ड पाउडर, और दो ब्रेड और चार केले, बस इतना ही है। तो मैं कैसे बनाता हूँ वो दिखिए, और आप भी घर बैठे बनाइए और अच्छा शिकार कीजिए दोस्तों। तो पहले 1 kg का पैकेट है सुकड़ी का, सुकड़ी लीजिए। अब बोलेंगे दोस्तों ये सुकड़ी में क्या है, सुकड़ी में गेहूं है, सोयाबड़ी है, हरभरा है, गुड़ है, खाद्य तेल है और शेंगदाने हैं। तो ये सब मिक्स है इसमें कंटेंट पूरे, ये देखिए इसमें गुड़ भी मिक्स है, देख रहे हैं, गुड़ भी मिक्स है इसमें, गुड़ के दाने भी हैं। ये 1 kg हमने लिया हुआ है, ये मक्का है, मक्का मैं डाल रहा हूं, ये 1 kg है दोस्तों, इसमें से हमें आधा डालना है, मैं आधा डाल रहा हूं मक्का, ये मक्का डाला है। और ये राइस पॉलिश पाउडर भी है, ये भी कम से कम 1 kg के आसपास है, तो मैं भी इसमें 50 कर रहा हूं, आधा डाल रहा हूं, आधा किलो डालना है, एक पुड़े में हमें आधा किलो डालना है, ज्यादा नहीं डालना है दोस्तों, ठीक है, ज्यादा डालेंगे तो भी चलेगा लेकिन हिसाब से डालेंगे तो उसका रिजल्ट आपको अच्छा बताएगा।
ये आधा किलो हमने डाला है। और दोस्तों फिर हम लोग डाल रहे हैं इसमें कस्टर्ड पाउडर, टू फिफ्टी ग्राम डालना है, ये एक किलो के पैकेट है, ये आपको कहीं भी एसेंस की दुकान में मिल जाएगा। तो मैंने 250 ग्राम डाला है। इसको डालने के बाद दोस्तों इसको अच्छे से एक जान करो, अच्छे से मिक्स करो इसको। दोस्तों ये सब मिक्स हो चुका है, अब इसमें हम लोग ब्रेड ऐड करना है। अगर ये चारा आप कल या परसों खेलने जा रहे हैं तो आज बना के लो। ब्रेड भी जो है, ब्रेड ये स्लाइस ब्रेड रहता है, बहुत सारे लोग है बन पाओ ये वो डालते हैं, ऐसा मत करो, स्लाइस ब्रेड डालो और इसको अच्छा पाउडर से करके लो। आप ये मिक्सर में भी कर सकते हैं, तो मैं ऐसे करके डाल रहा हूं इसमें, ये हो जाएगा जल्दी से। इसमें पूरा दो ब्रेड डालना है दोस्तों, दो ब्रेड, क्योंकि ये लड्डू हमारा, लड्डू की पकड़ जो है वो सही से हो, इसलिए हमें ये दो ब्रेड डालना है। अच्छे से इसको घिसो, वीडियो स्किप मत करो दोस्तों, बहुत अच्छा कारगर चारा है, सस्ता वाला चारा है, इजी से कहां भी ये सब आइटम मिल जाएंगे। ये पूरा चारा आपको चार फीडर के लिए बराबर पूरे दिन में हो जाएगा दोस्तों। अगर आप पूरा दिन खेल रहे हैं तो ये पूरा चारा आपको हो जाएगा। मैं पूरे दो ब्रेड ऐड करने वाला हूं। ब्रेड आपको कौन सा लेना है, मिल्क ब्रेड लेना है दोस्तों, ठीक है। ये जब तक मैं पूरा पाउडर करके लेता हूं, फिर उसके आगे बताता हूं दोस्तों आपको। दोस्तों ये एक ब्रेड का पाउडर ऐसा हुआ है, अब ये दूसरा ब्रेड भी डाल रहा हूं। ये इसलिए दिखा रहा हूं आपको क्योंकि जो मैं खेलता हूं ओरिजिनल बाइट वही आपको बता रहा हूं, क्योंकि इतना सारा ये मैं बना के फेंकने वाला नहीं हूं, जो मैं खुद खेलूंगा वही आपको बता रहा हूं। इसमें फेक आइटम कोई भी नहीं है, रिजल्ट 100% एंड 100% है। बस आपका बनाने का तरीका सही चाहिए, खेलने का तरीका सही चाहिए दोस्तों। इसमें दो आइटम और मिलाना है, वो मैंने सस्पेंस रखा है, वो मैं आपको ये वीडियो के आगे बताता हूं, नहीं तो आप वीडियो स्किप करके देखेंगे। अगर वो नहीं डालेंगे तो दोस्तों पक्का आप ये चारा बनाएंगे तो भी फेल जाने का उसका चांसेस है। तो वीडियो अच्छे से पूरा देखिए, ठीक। ये पूरे दो ब्रेड मिक्स किए हैं दोस्तों, मिक्स करने के बाद में इसको अच्छे से मिला लेना है कि ये सब तरफ मिक्स हो जाए। बहुत सारे लोग हैं ऊपर ऊपर मिलाते हैं लेकिन मिक्स नहीं करते, इसको अच्छे से मिक्स करो, अच्छे से पूरा एक जान होने तक मिक्स करो दोस्तों। ये मिक्स जैसे हो जाएगा, ये पूरा मिक्स हो गया दोस्तों अभी अपना चारा, ये फीडर का चारा पूरा मिक्स हुआ है, ठीक है। अभी इसमें मैं केले ऐड करूंगा दोस्तों। केला जो है ये मिठास रहता है, मछली को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। ये केला थोड़ा खराब हो रहा है। चार केले डालना है दोस्तों, एक किलो के चारे में, एक किलो की सुकड़ी के चारे में चार केले डालना है। ये केला थोड़ा काला भी रहेगा तो चलेगा, मुझे काला केला नहीं मिला, जिसकी चमड़ी काली होती है, ज्यादा पका हुआ रहेगा तो और ज्यादा अच्छा उसका रिजल्ट मिलेगा, समझे दोस्तों। इसको पूरे चारे में मिक्स करना है। बहुत रिसर्च करने के बाद में ये चारा बना रहे हैं, इसको अच्छी तरह से ये केले को पूरे पाउडर में मिक्स करना है, एकदम घिस घिस के मिक्स करना है दोस्तों पूरे चारे को, कि ये केला हर एक जगह पे मिक्स हो जाए, इसमें चारा पूरा मिक्स हो केले में। ये मैं पूरा मिक्स करता हूं, फिर देखिए आप इसका खुशबू कैसा आता है दोस्तों। दोस्तों देखो बनाना मिलाने के बाद में पूरा चारा कैसा हो गया। अब इसको थोड़ा कलर मिक्स कर दें, ठीक है।
कलर ये इसलिए मिक्स किया जाता है, में ये देख सकते हैं केसरी कलर फूड कलर है वो हम मिक्स कर रहे हैं। ये इसलिए मिक्स किया जाता है कि दोस्तों कलर को मछली अट्रैक्ट होती है, बाकी इसका कुछ काम नहीं रहता है। कलर को मछली अट्रैक्ट होती है, मछली जल्दी से बाइट करने की कोशिश करती है कलर को। तो ये कलर को हम लोग डाले हैं, अब इसको मिक्स करते हैं कलर को। चारे में इतनी बेहतरीन खुशबू आ रही है दोस्तों, मैं आपको बयान नहीं कर सकता, इतनी बेहतरीन खुशबू आ रही है माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त खुशबू है इसमें चारे में भी। और ये चारा अपना पूरी तरह से रेडी हो चुका है। अब इसमें मैंने ब्रेड भी मिला लिया है, सब कुछ मिला लिया है। तो अब इसमें लड्डू कैसे बनाना है दोस्तों, वो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या मिक्स करना है। इसको आपको पानी से नहीं कलाना है दोस्तों, पानी से बिल्कुल नहीं कलाना है, गुड़ के पानी से आपको कलाना है। गुड़ का जो शीरा बनाते हैं या काकवी रहती है उससे आपको इसका लड्डू बनाना है। अब ये चारा पूरा माशाल्लाह बहुत ही अच्छा खुशबू वाला रेडी हो चुका है अपना, पूरा नंबर वन चारा। गुड़ का पानी मैंने बना के रखा है, ये देखो दोस्तों, 1 किलो गुड़ में 2 लोटे पानी डाल के उसको उबाला अच्छे से। उबालने के बाद में पूरा गुड़ पिघलने के बाद में ऐसा कलर का होता है। अब इसका लड्डू कैसा बनाना है मैं वो बताता हूं आपको। थोड़ा थोड़े इसमें मिक्स करना है, पूरे इसमें मिक्स नहीं करना है। देख सकते हैं जैसे ही पानी इसमें चला जाएगा इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें कलर मिक्स किया हुआ है। ठीक है, ये इस तरह से हमारा चारा हो जाता है, देख सकते हैं चारा अपना कैसा हुआ है। देखो चारा कैसा हुआ, एकदम बहुत ही खुशबू है माशाल्लाह इसमें खुशबू। और ये देखिए फिल्टर पे अपना लड्डू को आराम से हो जाएगा, देख रहे हैं आप किस तरह से लड्डू हो रहा है फिल्टर पे। ये लड्डू फीडर पे, फीडर का है, चारा खुलने के बाद में ऐसा पूरा खुला हो जाएगा। तो इस तरह से अपने हमें लड्डू बनाना है, ज्यादा पतला नहीं करना है और ना ही ज्यादा घट करना है, मीडियम साइज करना है। और इस तरह से फीडर स्प्रिंग पे अपना चारा लगना चाहिए, जैसे ही पानी में जाएगा वो घुल जाएगा, पॉपअप अपने ऊपर आएंगे, मच्छी बाइट हो जाएंगी। तो ये अपना प्रोसेस है दोस्तों। तो मैंने आपको जो मैं खेल रहा हूं वही आपको प्रोसेस बताया हुआ है, आप सीधे ऐसी तरह से बनाइए चारा और शिकार कीजिए। तो दोस्तों आज आपने पूरा प्रोसेस मैंने दिखाया हुआ है, जो पिछले वीडियो में जावेद भाई ने जो भी शिकार किया था वो पूरा A to Z जो ओरिजिनल बाइट था वो ओरिजिनल बाइट मैंने आपको बताया हुआ है। तो दोस्तों इसी तरह से बाइट बनाइए और अच्छे से खिलिए। और दोस्तों अगर ये फीडर का चारा अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ज्यादा घट नहीं हो रहा है, जहीर भाई लड्डू जल्दी फूट रहा है या लड्डू पानी में जाके जल्दी निकल रहा है, अगर ऐसा कुछ डाउट है तो आप इसमें एक 300 ग्राम तक का गेहूं का आटा मिला सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये सही है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप ऐड कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और ये बाइट यूज करो दोस्तों। यूज करने के बाद में रिजल्ट क्या लगता है मेरे को कमेंट करो, आपके कमेंट्स का मेरे मुझे इंतजार रहेगा। और दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे चैनल को सपोर्ट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे, तब तक के लिए।